वाञ्छाकल्पतरुर्भयस्य कृपासिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाभगवन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्य कीप्ता से कामादि तरंग मध्ये कृपा मैत्वाम शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमती रघुनाथ दास श्री जीव मिकुरुत मंद मतीर दयांगवरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सबको हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का अहोभाग्य है, हम लोग ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। बोले ये भागवत कथा सुनने का और ये भागवत कथा कराने का कब सौभाग्य होता है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जगत में ऐसे कुछ काम ही अगर हमारे पास में अर्थ बल हो जो काम को हम करा सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में जन बल हो लोग हमें मदद कर रहे हैं जो काम को हम करवा सकते हैं। लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में कोई अर्थ बल नहीं हो कोई मदद करने वाले भी कोई नहीं हो और मन की अगर बल हो जो काम को हम करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बल क्या है बोले ये आत्म बल है। जगत में कुछ काम है अगर हमारे पास में आत्म बल हो जो काम को हम करा सकते हैं। लेकिन गुरु जी कहा करते थे ये श्रीमद् भागवत कथा को रखना भागवत कथा सुनना न तो कोई पैसा की बल से कर सकते हैं न तो कोई जन बल से कर सकते हैं न तो कोई मन बल से रखा सकते हैं न तो कोई आत्म बल से रखा सकते हैं।
जब तक ठाकुर जी की गुरु जी की कृपा बल नहीं हो, गुरु जी कहते हैं ये भागवत कथा कोई रख ही नहीं सकते और कथा को कोई सुन नहीं सकते। इसलिए जिन लोगों ने ये श्रीमद् भागवत कथा रखा है इसका मतलब है ये बड़ी पुण्यात्मा है। इसलिए कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम, बोले एक जन्म नहीं, जब करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये श्रीमद् भागवत कथा को कोई श्रवण कर सकते हैं। इसलिए शंकर जी ये बात पार्वती को कहते हैं, बल अति हरि कृपा चापर होए, अति हरि कहते हैं पार्वती कहते ये भागवत कथा को कौन सुन सकते और कौन सुना सकते हैं। बोले अति हरि कृपा जाफर हो, जिसको परम हरि की विशेष कृपा हो पार्वती तभी ये भागवत कथा सुनने को ही आ सकता है। इसलिए श्री शंकर जी कहते पार्वती ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस, बोले आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म ग्रहण करने पर भी ये देवताओं का सौभाग्य में भी ये श्रीमद् भागवत कथा मिलता नहीं। इसलिए हम आगे जाकर के श्रवण करेंगे, बोले जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, बोले साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, स्वर्ग से देवता लोग भी खाली हाथों से नहीं, वो अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप ये परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो, बोले इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिया है ये सप्तम दिवस में इनको तक्षक दंशन करेगा। बोले कोई चिंता नहीं, कोई चिंता मत करो, हम स्वर्ग से अमृत कलश लाए, लो ये पूरी की पूरी अमृत कलश ले लो, ये परीक्षित महाराज को पिला दो, ये परीक्षित अमर बन जाएगा। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा आप श्री परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, ये कथा अमृत अब हम लोग को पिला दो। लेकिन देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा देखो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, बोले को कथा को मणिर महान, बोले देवताओं कहां ये स्वर्ग का अमृत तुच्छ है, अमृत पीने से क्या होता है, पुण्य खत्म हो गए। लेकिन ये भागवत कथा अमृत को पान करने से पुण्य बढ़ेगी, ये पुण्य तुम्हारी खत्म नहीं होगा, पुण्य तुम्हारी बढ़ेगी पुण्य। बोले को काच को मणिर महान, वो उदाहरण देते हैं अगर कोई व्यक्ति कोई एक कांच के टुकड़े लेकर के आए, बोले ये कांच के टुकड़े तुम ले लो लेकिन ये तुम्हारी पास में जो मणि है वो मणि हमें दे दो, आप बताओ मणि दोगे। इसलिए उदाहरण देते हैं ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये श्रीमद् भागवत कथा नहीं, ये साक्षात श्री बांके बिहारी, बोले श्री बांके बिहारी लाल की। इसलिए कथा रूप में कृष्ण स्वयं, बोले कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्टादृशा मेष
पुराण अर्काधुनादितिता। बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में भगवान कृष्ण क्यों ये जगत में आए, कारण क्या? बोले कारण है, जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए उसी समय में ये घोर कलियुग आ गया। अभी कलियुग में बड़ा अनर्थ होने वाले, इसलिए उद्धव जी भगवान से पूछे, बोले प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी जीवों का कल्याण कैसे होगा? अभी मैं आश्रय लेकर के किसको मैं आश्रय लेकर के रहूंगा? भगवान कृष्ण कहते हैं कोई चिंता मत करो, मैं स्वयं ये कलियुग में ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये भागवत ग्रंथ रूप में जगत में मैं विद्यमान रहूंगा। जो व्यक्ति कलियुग में ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेगा, बोले ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। ये कलियुग में बोले तेन अयंग बांग मय मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। भगवान कलियुग में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में विद्यमान है, इसलिए ये भागवत कथा सुनना और ठाकुर जी से मिलना कोई अलग बात नहीं। आप सबके सब ठाकुर जी को साथ में मिल रहे हो। एक बार भागवत का जयकार करो। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। आप लोगों का जयकार में दम नहीं है, कोई जय कोई हे बोलते हो। देखो ध्यान देख रहे, भागवत का थोड़ी जय, ठाकुर का थोड़ी जय, जय तो ठाकुर को यही है, लेकिन जो ठाकुर को जय देता है ना उसको उतना पाप खत्म हो जाता है और उसको इतने भक्ति और उतना पुण्य बढ़ती है। जो जितने जोर से ठाकुर को जयकार दोगे उतना तुम्हारी पाप खत्म होगी और जयकार तुम्हारी होगी ठाकुर को नहीं। जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। अभी लग रहा है कुछ हो रहा है, इसलिए देखो ये भागवत कथा की महिमा को समझो। आप लोग जो कथा सुन रहे हो कितने पुण्यात्मा, इस चीज को समझो। देवता लोग भी ये स्वर्ग का विनिमय में, अमृत का विनिमय में भी ये भागवत कथा सुन नहीं सके। इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं वो देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा, देवताओं से भी ज्यादा पुण्यात्मा जो ये भागवत कथा को श्रवण करते हैं। बोले ये स्वर्ग की बात छोड़ दो, कहते स्वर्ग में तो कथा है ही नहीं। बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे। बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा कहती है ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक किसको कहते हैं? जहां पर पितामह ब्रह्मा जी विद्यमान रहते हैं। ये ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा जो स्थान है इसको ये ब्रह्मलोक कहते हैं। बोले भैया ब्रह्मलोक में भी ये भागवत कथा नहीं? देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कथा है तो भेदे भावना बिहाई, कथा है तो भावना बिहाई, कथा है तो भेदे भावना बिहाई, कथा है तो भेदे सुनी भक्त सारे आबदाई, कथा है तो भी इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर कहीं ये भागवत कथा हो रहा है, विधि मतलब होता है ब्रह्मा, वो अपना घर को छोड़ करके, वो ब्रह्मलोक को छोड़ करके दौड़ दौड़ करके आते हैं। आप लोग बताओ आप लोग कितने दूर से आए हो बताओ कथा सुनने के लिए? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10, 20, 100, इससे ज्यादा दूर से नहीं आए होंगे ना। लेकिन पता है आपको कहाँ से आए? हाँ, इनके लिए ताली बजाओ, कम से कम इतना दूर से आए। लेकिन यहाँ पर देखो
हमारे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से करोड़ों मील दूर से दौड़ दौड़ कर कथा सुनने के लिए आते हैं। क्यों, किस लिए ब्रह्मा इतना दूर से आते हैं? ये तो उनको पता है, ये जो श्रीमद् भागवत कथा, ये साक्षात श्री ठाकुर जी, ये भागवत कथा से समस्त इच्छा पूरी होती है और भागवत कथा से भगवत प्रेम, भगवत दर्शन होता है कथा से, इसलिए इसकी महत्व जानते हैं ब्रह्मा जी। इसलिए ये ब्रह्मा ये ब्रह्मलोक को छोड़ करके आते हैं। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, भैया ब्रह्मलोक की बात ही छोड़ो, कहते अगर कहीं भागवत कथा होना, कहते श्री शंकर जी कैलाश छोड़ करके आते हैं, ब्रह्मलोक ऊपर में कैलाश लोक है, कहते वो कैलाश को भी छोड़ करके इस जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। तब गोस्वामी जी कहते, भैया कैलाश की बात छोड़ दो, अगर कहीं ये श्रीमद् भागवत कथा होना, कहते ये वैकुंठ छोड़ करके गरुड़ भी कथा सुनने आते हैं। गोस्वामी जी क्या कहते सुना, बले गाया ओ गरुड़ा जहां बस ए भूसो होना, गाया हो गरुड़ा जहां बस ए भूसो होना, गाया ओ गरुड़ा कहती है वैकुंठ छोड़ करके इसी मर्त्य जगत में श्री जगन्नाथपुरी में नीलाचल पर्वत है, नीलगिरि पर्वत, वहां पर अक्षय बैठे हैं। जगन्नाथपुरी कोई गए हो? कौन कौन जगन्नाथपुरी गए, हाथ उठाओ। तो दो चार व्यक्ति गए, कौन जाना चाहते हो बताओ, इस बार सबको ले जाएंगे, हाथ उठा कौन कौन जाना चाहते, सबके एक बार ले जाएंगे जगन्नाथ की रथ यात्रा में ले जाएंगे। देखो हमारे शास्त्र कहता है, श्री जगन्नाथ जी को कोई अगर रथ के ऊपर एक बार देख लेना, उसको पुनर्जन्म नहीं होगा। एक बार केवल जगन्नाथ जी को रथ यात्रा दर्शन कर लो, अगर यहाँ के भक्त हो इच्छा होगा तो एक दिन यहाँ पर भी एक रथ यात्रा निकाल देंगे। ठीक है, अब लोग आपस में बात करना होगा तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी छोटी एक रथ यात्रा भी यहाँ निकाल कर कीर्तन कर लेंगे। ठीक है, बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए अगर कहीं कथा हो, कहते जो गरुड़ जी रहते हैं वैकुंठ में, लेकिन वो वैकुंठ लोग छोड़ करके इस मर्त्य जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो जो कथा सुनते हो, आप लोग समझो आप कितने सौभाग्यवान। देवताओं को कथा सुनने के लिए स्वर्ग त्याग करना पड़ा, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्मा लोग छोड़े, शंकर जी को कथा सुनने के लिए उन्होंने कैलाश को त्याग दिया, गरुड़ जी कथा सुनने के लिए वैकुंठ त्याग दिया। लेकिन एक खोड़ा के, ये खोड़ा है ना, ना क्या है, लेकिन एक खोड़े वासी भक्तों को कथा सुनने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ा? बोलो कुछ छोड़ना पड़ा आपको? कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा। ये कथा रूपी अमृत वृंदावन से ये बहते 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 आपकी दरवाजा को सामने आ गई, आप लोग घर में बैठ ही बैठ करके ही ये कथा को सुन ली। ताली बजाओ एक बार तुम लोगों के लिए, बोले समझो तुम लोग कितने सौभाग्यवान हो। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहा करते थे, जब कथा में आओ ना अकेले बताओ। देखो जब शंकर जी कथा सुनने के लिए आए, अच्छे तरह से समझो, उन अकेले नहीं आए, उन्होंने पार्वती को लेकर के आए। जब ब्रह्मा जी कथा सुनने के लिए आए, वो अकेले नहीं, वो शारद सरस्वती को लेकर के आते हैं। जब देवता लोग कथा सुनने के लिए आते, कोई अकेले नहीं आए, वो सारे देवियों को लेकर के आए हैं। शिक्षा देते हैं, अगर तुम देवी आओ ना, तुम लोग को आओ लक्ष्मी, साथ में नारायण को भी साथ मिला, समझ रहे कि नहीं? अगर पत्नियां कथा सुनने आती हो, अकेले नहीं आनी चाहिए, मना करते हैं।
कहता अपना पति को लेकर के आऊं। अगर पति लोग आते हैं कहते पत्नी को लेकर के आऊं, अकेले मत आऊं। बोले क्यों? देखो इसके रहस्य को समझो, अच्छे तरह से समझो। आप देखना 7 दिन तक जब ये कथा सुनोगे ना, आपका हृदय जरूर परिवर्तन हो जाएगा। आपका हृदय संपूर्ण रूप में भगवत भक्ति रस में सरावर हो जाएगा। तुमको ये पता चलेगा ये मानव जन्म है क्या चीज। ठाकुर जी हमें ये मानव जन्म क्यों दिया? कभी ये मानव शरीर नहीं, भगवान राम स्वयं अयोध्या वासियों को कहते हैं, बोले साधन धा मोमक्ष कर द्वारा, साधन धा मोमक्ष अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये तो 84 लाख जन्म के बाद में तुम्हें किसी तरह से ये जीवन मिला है। बोले देत ईस बिनु हे तो सनई, ठाकुर जी कैसे कृपा करके तुम्हें ये मानव शरीर दे दिया। ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे, क्योंकि इसी जीवन में ही हम भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की भजन करते हुए इसी जीवन में ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे हो। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, लेकिन ये पाई न जई पर लोक सवारा। लेकिन ये मानव शरीर पा करके जो भगवान की भक्ति नहीं किया, फिर क्या होगा? बोले फिर वही 84 लाख जन्म में फिर जाना पड़ेगा। ये चीज पता चलेगा। अगर माताएं अगर कथा सुनने आएगी तो क्या होगा? 7 दिन में तुम्हारी जीवन बदल जाएगा। फिर भगवान की भजन करना शुरू कर दोगे, गले में कंठी तिलक लगाओगे। अगर पति लोग नहीं आएंगे ना, फिर क्या बोलेंगे? बोले कौन से बाबा जी के चक्कर में तो पड़ गई है, ये सब कंठी माला तिलक तुमने धारण कर लिया। अगर पति लोग आए, इनका जीवन भी परिवर्तन होगा। लेकिन ये लोग भी प्रभु का भजन करना शुरू कर देंगे, पत्नी क्या बोलेगी? कोई काम धाम नहीं, जब देखो माला लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर दोनों कथा सुनने के लिए आओगे ना, फिर ये दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगी, फिर दोनों प्रभु की भजन में लग जाओगे। दो पहिया में तो गाड़ी चलती है ना, अगर दोनों अगर भजन करोगे, कहीं अगर सत्संग हो, कहीं अगर धाम में जाना हो, दोनों तैयार होंगे। चलो हम भगवान के धाम में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, प्रभु की कथा सुनने के लिए जाते हैं, फिर दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगी। देखो आपको एक मैं सही कथा सुना था, अब ध्यान देकर सुनो, ये सही कथा है। बोले कोई एक राजा था, बड़े सत्संगी, एक संत थे जो रोज रोज भगवान की कथा सुनाते थे। वो रोज रोज राजा सत्संग में जाता था। लेकिन जब कोई सत्संग में जाएगा ना, कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। कि जब तक जीवन में सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि नहीं बदलेगी। लेकिन ये राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, ये सत्संग कब मिलेगी? बोले जब तक प्रभु राम की कृपा नहीं होना, ये सत्संग नहीं मिलेगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई। कहीं अगर भागवत कथा होना, पार्वती सहज में कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर किसको पता चले यहाँ पर सलमान खान आ रहा है, शाहरुख खान आ रहा है, अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी आ रहे हैं, बताओ यहाँ पर खड़े होने के लिए जगह मिलेगी? बोलो बोलो खड़े होने के लिए जगह मिलेगी? अगर थोड़ी सी किसको पता चले यहाँ पर हेमा मालिनी आ रही है, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, पता नहीं टिकट टिकट पता टिकट मिलेगा कि नहीं, 1000 रुपये पे टिकट मिलेगी कि नहीं, देखो ना इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये शंकर जी कह रहे पार्वती को। बोले पार्वती आप यही सर अति कठिनाई। कोई गंदा काम हो ना,
गंदी से गंदी सिनेमा सिनेमा अब देखना आधा घंटा पहले जाएंगे, लाइन लगा कर खड़े रहेंगे, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो ब्लॉक में टिकट खरीदी करेंगे, अपना बुद्धि को भ्रष्ट करके पैसा बर्बाद करके आएंगे वहां से, पूरा नरक का रास्ता खाली करके। बढ़िया सिनेमा मतलब क्या, जितने गंदी हो उतना बढ़िया मानते हैं, पूरा नरक का रास्ता खाली करके आएंगे। लेकिन शंकर जी कहते हैं पार्वती आप तो यही सारा अति कठिनाई, अगर कहीं सत्संग होना हजार बहाना बनाएंगे, अरे ये काम पड़ गया था, वो काम पड़ गया था, अमुक जगह पर जाना था, लेकिन हीरो हीरोइन नहीं आई, कोई बहाना नहीं पहले चलो। इसलिए शंकर जी कहते माता पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु ये सत्संग में भागवत कथा में कौन कौन आते आते हैं कौन कौन। शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा पर शंकर जी कहते पार्वती एक उदाहरण देकर समझाए, अब भी अच्छे तरह समझो, जैसे तुम्हारे घर में कोई शादी हो गई, आप बताओ शादी में कौन आएगा, आप जिसको निमंत्रण दोगे वही तो आएगा ना। जैसे मानो विदेश में कोई हो, लंदन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, अगर आप उसको निमंत्रण दोगे ना हमारे घर में शादी कोई परिवार की, देखे ना वहां से भी आएगा। लेकिन ये तुम्हारी घर को पास में 9 इंच दीवार है, उसको पास में कोई व्यक्ति रह रहा है, लेकिन आप उसको निमंत्रण नहीं दोगे, बताओ वो आएगा कि नहीं शादी में, अरे बोलो आएगा कि नहीं, जोर से बोलो नहीं आएगा। बोले क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तुमने उसको निमंत्रण नहीं दिया है इसलिए नहीं आएगा। इसलिए शंकर जी कहते हैं ये भागवत कथा में कौन आता है कौन आए हैं, बोलो जिसको ठाकुर जी निमंत्रण दिए, जिसको ठाकुर जी निमंत्रण दिए। इसलिए यहाँ पर जितने बैठे हैं ना, ठाकुर जी आपको पास में स्पेशल निमंत्रण कार्ड आपको घर में भेजे है, इसलिए आप लोग आए हो, ताली बजा आप लोगों के लिए जोर से। इसलिए ठाकुर जी निमंत्रण भेजा है, एक उदाहरण दिया है। जैसे ठाकुर जी जब बंसी बैठे को नीचे भगवान जो बंसुरी बजाए, ब्रज में कितने ब्रजवासी थे, माताएं भाई लोग कितने कितने लोग थे ब्रज में, लेकिन वो बंसी की ध्वनि सबके कान में नहीं पड़ा है। किसको कान में बंसुरी की ध्वनि पड़ी, बोलिए गोपियों की कान में। किसको कान में, ये गोपियों के कान में बंसुरी ध्वनि पड़ी, तो केवल वहां पर गोपियां वहां पर आई। जब गोपियां वहां पर आती है ना, ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले स्वागत में महाभागा, भगवान स्वागत करते हैं, बोले तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो कि घर का सारे काम काज को छोड़ करके, परिवार के सबको छोड़ करके तुम लोग कथा सुनने के लिए मेरे पास में आए हो, तुम लोग भाग्यवान हो, कृष्ण इनकी स्वागत करते हैं। तात्पर्य जो है अब सबका घर में भी काम होगा, काम है कि नहीं बोलो, सबके घर में काम है, लेकिन आप लोग भी सारे काम को पीछे रख करके जो कथा सुनने आए ना, ठाकुर जी आपको स्वागत करते हैं, ठाकुर जी आपको स्वागत करते हैं, क्योंकि सारे काम को पीछे रख करके तुम लोग कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हो। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये भागवत कथा में आना कोई साधारण बात नहीं, बड़े भाग्यशाली कथा सुनने के लिए, बड़े भाग्यशाली ये कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए शंकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति
बड़ा दुर्लभ है। देखो अभी कोरोना गई, कोरोना है ना, 2-3 साल का कोई कथा हुई जैसे यहाँ कथा हो रही है, और कहीं खोड़ा में कहीं कथा सुनने को मिलेगी? खोड़ा में क्या पता नहीं, दिल्ली में कहीं होती होगी कि नहीं। इसलिए जो रस यहाँ प्रवाहित तो हो रही है वो रस और कहीं नहीं। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हो जो ये कथा को आयोजन कर रहे ना, ये बड़े भाग्यशाली है, बड़े भाग्यशाली है। पता नहीं किधर कैसे कितने पैसा बह जाती है, कितने पैसा किस तरह से रोग शोक मामला मकदमा, पता नहीं कितने पैसा किधर चली जाती है। लेकिन ये भागवत कथा को कौन करा पाती है? सब लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लोग ये कथा को आयोजन कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं जो लोग कथा को आयोजन किया है, क्योंकि इसमें लोगों को जितने भक्ति पुण्य मिलेगी इसका फल किसको मिलेगा? ये आयोजन करने वाले व्यक्ति को मिलेगा। देखो अच्छे तरह समझो, जो पैसा को कहते लक्ष्मी, पैसा क्या है? अरे बोलो जोर से, पैसा कौन है? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी किसकी है? ये लक्ष्मी नारायण की है। लक्ष्मी किसकी है? अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा हम जैसे भागवत कथा में लगा रहे हैं, देखना घर में फिर लक्ष्मी शांति सुख देती है। अगर लक्ष्मी को कोई अगर ठाकुर को सेवा में सत्संग में भगवत भक्ति में कहीं लगा कर नहीं लगा करके अगर पैसा कोई भोग करना चाहते लक्ष्मी को, वो कभी लक्ष्मी को भोग नहीं कर सकते हैं, भोग नहीं कर सकते, भले ही करोड़ों रुपया क्यों नहीं आ जाए, देखना वो घर में शांति सुख नहीं है। भाई भाई में लड़ा लगा देंगे, नहीं तो कोई मामला मुकदमा लगा देगी, कहीं बड़ी से बड़ी बीमारी लगा देगी, करोड़ रुपया बह जाएगी, शांति नहीं देगी। क्यों? लक्ष्मी हमारी है ही नहीं, लक्ष्मी तो नारायण की। अगर ये ठाकुर को सेवा में कहीं लगे ना, जैसे ये भागवत कथा में जो लोग लगा रहे हैं, समझो लक्ष्मी इनको फिर प्रसन्न हो रही है, क्योंकि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं ठाकुर जी को हूँ। वो तब भी लक्ष्मी प्रसन्न होती है जब ये लक्ष्मी को ठाकुर को सेवा में कोई लगा रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने ये भागवत कथा की इतने महिमा, इतने महिमा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले श्रुत अनपठित ध्यात आदृतवा अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्मम जानते विश्व द्रोह भी। कि तो व्यक्ति कितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, अगर कहीं ये भागवत कथा हो रही है, कोई पढ़े उनका कल्याण है, कोई सुने उसका भी कल्याण है, अगर ये भी नहीं हो सका, अगर कहीं कथा हो रही है, इतनी सी कोई अगर बात बोलती कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बहे तू चले जा, घर का काम काज मैं संभाल लेती हूँ, तू कथा सुनने के लिए चले जा। अगर इतना कोई बोल देना कहते सत्य पुनाति सद्धर्मम, उसी समय में ही उसकी सारी पाप खत्म हो जाती है। अगर वो व्यक्ति देव द्रोह विश्व द्रोह क्यों नहीं किया हो, बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं किया हो, केवल कथा केवल अनुमोदन करने मात्र उसका सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त करते, इतने ये भागवत कथा की इतने महिमा है। एक बार कथा की जयकार दो, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। कोई जय कोई है बोल रहे हो? कुछ कुछ माता है तो कुछ भी नहीं बोलती, जोर से एक बार बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। हाँ भैया पता लग चलत कथा हो रही है। देखो आप लोग आज हम कथा की महिमा सुनेंगे, इसलिए ये कथा की महिमा पता चलेगा ना, फिर आप लोग आओगे। कहते जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनते हैं उसको 7 फायदा होगा।
कितना फायदा होगा, क्या होगा, जोर से बोलो। आज मैं सुनाऊंगा, कल आप सुनाना, ठीक है। मैं पूछूंगा, एक एक फायदा बोलना आप लोग, एक एक करके ध्यान देकर सुनना। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत में राधा रानी जब रासलीला होते होते जब कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए, ब्रज गोपियां बोली देखो कृष्ण को उसका भजन बहुत प्यारा है। चलो हम सबके सब जमुना कुल में बैठ करके कृष्ण का कीर्तन करेंगे। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहां पर मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते, मैं वहीं रहता हूँ। तब ब्रज गोपियां कहती, ये यमुना किनारा में बैठ करके ये सब के सब ठाकुर की कीर्तन किया है। कीर्तन करते करते एक कीर्तन में एक श्लोक है, ये भागवत कथा में 7 लाभ है, ये राधा रानी खुद कह रहे। क्या क्या लाभ है? बोले तब कथा मृता तात्पर्य बना कथा सुनने का पहला लाभ है। सब ध्यान देकर सुनना, देखो जो कथा सुन करके जाते हैं ना, घर में जाकर के बच्चों को भी सुनाना। जैसे बहुए आए तो अपना बच्चों को, माताएं आए तो अपना बच्चों को सुनाना, ये तो अपना सास ससुर सबको कथा सुनना, ठीक है। जो कथा सुन करके जाते हो दूसरों को भी, अपना तो कल्याण हुआ दूसरों का भी तो कल्याण हो, ठीक है। कथा सुनने का पहला लाभ है, यदि ये कथा नहीं ये अमृत है। इसलिए ये भागवत कथा को एक बताया अमर कथा, क्योंकि ये शंकर जी ये कथा को अमरनाथ में माता पार्वती को बैठा करके सुनाए थे। आप लोग कोई अमरनाथ गए हो? कौन कौन अमरनाथ गए हो? देखो दो भैया हाथ उठाए, बहुत अच्छी बात है। जहां पर शंकर जी सुनाए थे ये देखे होंगे, अभी भी वो स्थान है, वहां बरगद का वृक्ष है, वहां पर कोठरी है, वहीं पर शंकर जी पार्वती को बैठा करके वहीं पर ये अमर कथा सुनाई थी। इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा। मतलब है ये कथा को जो सुनेगा वो जरूर जगत में अमरत्व को प्राप्त करेगा। ये शंकर जी स्वयं कहते हैं, एक दिन श्री नारद जी एक दिन कैलाश में आए, आए तो उसी समय शंकर जी नारद जी जब आए, शंकर जी गए थे सत्संग में, वहां पर माता पार्वती थी। इतने में श्री नारद जी बोले, माता जी ठीक ठाक हो? बोले बेटा तेरे आशीर्वाद से हम कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है। इतने में बोले, आप कैसे ठीक ठाक है? बोले देखो वही स्त्री सुहागिनी जिसको पति प्रेम करता है, शंकर जी मेरे को बड़े प्रेम करते हैं। बोले कैसे प्रेम करते हैं? बोले कहीं से अगर कथा सुन करके आते हैं सबसे पहले मेरे को बैठा करके सुनाते, इसलिए शंकर जी मेरे बेटे को बड़े प्रेम करते हैं शंकर जी। इसलिए आप जितने पुराण को पढ़ो देखोगे शंकर पार्वती का संवाद है, शंकर जी सुनाते हैं और मैया पार्वती सुनती है, तो मेरे को बड़े प्रेम करते हैं। लेकिन नारद जी की इच्छा क्या थी? ये भागवत ग्रंथों को प्रकाश करना। लेकिन जगत में ना नारद जी का भी बड़ा बदनामी है, जान तो क्या बदनामी, हम कहते हैं ना तो क्या नारद जी का काम कर रहे हैं, मतलब क्या झगड़ा लगवा रहे हो हमारी अंदर में, हम बोलते हैं ना। लेकिन ऐसी बात नहीं, नारद जी की इच्छा के बगैर प्रभु की कोई लीला ही नहीं होती। रामलीला देखो इनकी इच्छा, कृष्ण लीला देखो इनकी इच्छा, सार लीला का जो सूत्रकार श्री नारद जी है। नारद जी चाह रहे थे ये भागवत ग्रंथों कैसे प्रकाशित करें। इतने में नारद जी बोले, देखो माता जी आप कहते हो शंकर जी आपको बड़े प्रेम करते। बोले हाँ। बोले आपको दिल से प्रेम नहीं करते, ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं। इतने में माता पार्वती बोली, नारद जी वो आगे और मत बढ़ाकर, मैंने सुना पति पत्नी में तुम लड़ाई लगाते हो, इसलिए हम दोनों पत्नी पत्नी बहुत आराम से रहे, आपस में लड़ाई मत कराया करो।
बोले नहीं मैं सच बताता हूँ। बोले क्या सच बताते हो? बोले देखो शंकर जी की गला में देखना एक माला, देखो मुंड की माला, आपको पता ही ये मुंड की माला किसकी? और शंकर जी ये मुंड की माला क्यों धारण करते हैं बता सकते हो? ए बच्चों बात नहीं करना, इसलिए आपको पता है क्यों इसको धारण करते हो? कोई बोले? बोले नहीं। बोले इसलिए तो मैं बोल रहा हूं शंकर जी तुम्हें तो ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं लेकिन हृदय से प्रेम नहीं करते हैं। बोले देखो जब शंकर जी आज आए ना उनको 3 बार कसम खिला करके तुम उनको पूछना ये गले में मुंड की माला किसकी, फिर सारे रहस्य आपकी पता चल जाए। नारद जी इतना बोले और इतना बोलते बोलते बोल करके नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय राधा हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जो कीर्तन में जो ताली बजाते हैं ना इसमें भी बड़े रहस्य है। जो ठाकुर का कीर्तन में ताली बजाएगा अगर तुम्हारी भाग्य रेखा अगर थोड़ी उल्टा पुल्टा हो, देखना घर में जब कोई ज्यादा दुखी हो जाते हैं ना कि ज्योतिष को पास में जाते हैं, बोले भैया देख तो किसी तरह से दुख जा नहीं रहा है, एक बाद में एक दुख आती क्यों आ? देखो तो बताओ ज्योतिष क्या तुम्हारी दुख कष्ट को दूर कर सकता? नहीं कर सकता, बल्कि इधर उधर की बात बोल करके ये स्टोन पहनो ये स्टोन इतना पैसा, लेकिन वो भाग्य तुम्हारी नहीं बदला सकते हैं। भाग्य कौन बदला सकते? ठाकुर जी, ठाकुर जी बदला सकते हैं। अगर ठाकुर का कीर्तन में ताली बजाओगे ना, हम ताली कब बजाते हैं? जब किसकी स्वागत करते हैं, बोलते ताली बजा करके स्वागत करो, लेकिन यहाँ पर जो ताली बजाते हो किसकी स्वागत में? भागवत की, भगवान की। अगर आपको हाथ में भाग्य रेखा अगर थोड़ी उल्टा सुलटा हो लेकिन अगर कीर्तन में ताली बजाओगे ना तुम्हारी भाग्य रेखा ठाकुर बदला देंगे। अगर घर में ज्यादा कोई गड़बड़ी हो इधर उधर मत जाओ, घर में बैठो खूब जोर से ताली बजाते हुए कृष्ण कीर्तन करो, देखो ना भाग्य रेखा ठाकुर सब बदला देंगे भाग्य रेखा। और ताली बजाने पर है ना एक आकुप्रेशर नाम सुने होंगे, रामदेव बाबा का योगा देखे होंगे, ताली जोर से बजाओ क्या होगा सारे पॉइंट से दर्द किए शरीर का सारी बीमारी भी दूर हो जाएगी, इसलिए जोर जोर से ताली बजाओ। बोले वृंदावन में I'm not going to be able to do that.
अभी नारद जी जा रहे थे, इतने में माता शंकर जी वापस आ रहे थे। शंकर जी पूछे, नारद जी थोड़ा रुक जाओ। बोले, आज मेरे पास में समय नहीं। शंकर समझ गए, भैया हो ना कुछ झगड़ा भगड़ा लगा कर तो नहीं गए। सचमुच से आकर के देखा, माता जी तो मान भवन में लेट हुई। इतने में शंकर जी पार्वती को ऊपर जब हाथ रखे ना, पार्वती तो हाथ बुखेगी थी। बोले, भैया क्या बात, बताओ क्या हुआ है। पार्वती बोली, मैं तो पहले सोच रही थी आप तो भोले बाबा, लेकिन ये पता चला आप भोले बाबा नहीं, आप कपटी बाबा हो। बोले, मतलब? बोले, आप तो मेरे को अंदर की बात नहीं सुनाते हो, ऊपर ऊपर की बात सुनाते हो। बोले, भैया कौन सा अंदर की बात है। बोले, तीन बार पहले कसम खा। शंकर जब कसम खाई, बोले ये बताओ आपकी गले में जो ये मुंडक की माला किसकी है। आप जो माला को कभी आप त्याग नहीं देते, बताओ ये मुंडक की माला किसकी। बोले, पार्वती ये और किसी की नहीं, ये तुम्हारी। बोले, मेरी मेरे सर तो मेरे शरीर में, आपके गले में कैसे आ गए। बोले, पार्वती तुम्हें पूर्व जन्म की बात याद नहीं। पूर्व जन्म में तुमने सती थी और तेरे पिताजी मेरे को अपमान किया है प्रयाग में, इसलिए तुमने जा करके कनखल में वहां पर शरीर त्याग दी। एक बार शरीर त्याग नहीं, पता नहीं कितना बार तुमने शरीर को त्याग दी। जब जब तुम शरीर त्याग देती हो, तब तक मैं तुम्हारी मुंडक को गले में माला रूप में धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोली, प्रभु मैं तो सोच रही थी पहले आप छोटी मोटी कहीं कपटी हो गई, देखा आप तो सबसे बड़े कपटी आ गए। बोले, क्यों। बोले, ये बताओ आप ऐसे कौन सा अमर बूटी को पान किए हो जो मरी नहीं रहे हो, मैं मरते जा रही, बताओ कौन सा अमर बूटी को पान की। देखो शंकर खुद कहते हैं। बोले, पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमर बूटी को पान की, तब से मैंने अमरत्व की प्राप्ति की। शंकर स्वयं कहते हैं। पार्वती कहती है, प्रभु ये कथा मेरे को भी सुना दो। बोले, पार्वती चलो तेरे को मैं अमर कथा मैंने अमरनाथ में सुनाऊंगा। बोले, जब मैं कथा सुनाऊं हुंकार भरते रहना। बोले, ठीक है प्रभु जी। कथा सुनाते सुनाते पार्वती बीच में सो गई। उसी वृक्ष के ऊपर में के तोता बैठ कर कथा सुन रहा था। उसने देखा माता तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, मेरी भी कथा अधूरी रह जाएगी। वो तोता भी हुंकार भरना सुर की। बोले, बड़ी प्यारी कथा, उसको आगे बताओ। उसको बाद में क्या हुआ। भोले बाबा तो भोले बाबा, वो तो सुनाते सुनाते जा रहे थे। जब कथा विश्राम हो गई ना, शंकर जी फिर जयकार दिए। बोले, श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। पार्वती जग गई। बोले, उसको बाद में क्या हुआ। बोले, उसको बाद में मतलब कथा तो विश्राम हो गई। बोले, नहीं बीच में मैं सो गई थी। बोले, हुंकार भर रही थी। बोले, मैंने नहीं भरी। शंकर जी ने सोचा कि तो अमर कथा जो सुनेगा वो अमर बन जाएगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा सुन लिया तो जगत के लिए हानिकारक है। शंकर तो मारने के लिए उसको पीछा की। वो तोता उड़ते जाए, शंकर पीछा नहीं छोड़े। करते करते जब बद्रीनाथ में पहुंचे, वहां पर श्री व्यास देव भी अपना पत्नी बिटका को यही कथा सुना रही थी। वो भी मुंह खोल करके ना ऐसे करके सुन रही थी। इतने में तोता ने सूक्ष्म रूप धारण करते हुए गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले, तोता कहाँ गया। व्यास देव बोले, भोले बाबा कहाँ से हफ्ते हफ्ते आ रहे हो, सारा शरीर से पसीना बह रहा है। बोले, बड़ा अनर्थ हो गया। बोले, क्या हो गया। बोले, एक तोता ने ये अमर कथा सुन ली। बोले, अमर कथा सुना तो आप पीछा क्यों कर रहे हो। बोले, मारने के लिए। बोले, सचमुच से आप भोले ही हो। आप स्वयं कह रहे हो ये कथा अमर कथा है।
जो सुनेगा वो अमर बनेगा। बोल तोता कथा सुनी कि नहीं, बोले सुनी। बोल तोता सुन लिया तो अमर हो गया कि नहीं, फिर आप पीछा कैसे मारने के लिए कर रहे हो। शंकर जी सोचे बात सही है, ये तो बात सही है, अभी तक मेरे ध्यान में नहीं था। शंकर जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण तोता होता है ना, ये कभी कथा में नहीं बैठ सकता है, कथा कभी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि जिसकी करोड़ों जन्म की पुण्य होगा वही बैठ सकता है। हम देखना टीवी में जब सीरियल आती है ना, तीन तीन घंटा आंख फार फार कर देखते हैं, देखते कि नहीं कोई सीरियल तीन तीन घंटा, छूट मूट का बात है। ये बताओ ये सिनेमा फिनेमा क्या है, एक तो गंदी चीज है, दूसरे झूठ मूठ चीज की एक रूपक बना दिया, आंख फाड़ फाड़ वहीं पर बैठे, लेकिन कथा में बचे कब उठे, समय खत्म नहीं हो रहा है। देखना बेचैन हो जाते हैं, यहाँ बैठ नहीं पाते, कारण क्या है, वो पापी है, वो पापियों को कथा नहीं सुनाता है। गोस्वामी जी खुद कहते हैं पापी लोग तो कथा सुन ही नहीं सकते हैं, वो पुण्यात्मा ही कथा सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी ने देखा अगर ये कोई साधारण तोता होता तो ये कभी कथा में नहीं बैठ सकता था, जरूर ये कोई विशेष महात्मा। तब उन्होंने ध्यान लगाया, शंकर जी सब कुछ उन्होंने देखा, क्या देखा, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनहीना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। शंकर जी ने सब कुछ दर्शन किया, जैसे भगवान राम जब ये जगत छोड़कर गए, पूरा अयोध्या वासियों को लेकर प्रभु गए, लेकिन श्री हनुमान जी को छोड़कर गए। बोले क्यों, बोले हनुमान अगर तू चला जाओगे ना फिर जगत में ये भक्ति को कौन प्रचार करेगा, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को छोड़कर गए। ठीक उसी तरह जब राधा कृष्ण ये संसार छोड़कर गए, ये तोता को छोड़कर गए, क्यों, ये तोता राधा कृष्ण के निकुंज मंदिर में निवास करने वाले, राधा रानी कृष्ण की समस्त लीलाओं को दर्शन की, राधा रानी जिनको स्वयं हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण बोलो, ये तोता भी बोलता था कृष्ण कृष्ण, कृष्ण भी जिनको हाथ में बैठा करके बोलती थी बोलो तो राधे राधे, ये तोता भी राधे राधे बोलता था। कभी कभी राधा रानी ये तोते को कभी उन्होंने चुंबन की है, चुंबन की तो कृष्ण की जो अधरामृत ये तोता की थोंट में लगा हुआ है। इसलिए हम आगे सुनेंगे जब ये भागवत कथा हो रही थी वहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, 88,000 100 वर्ष 200 वर्ष 500 वर्ष की, लेकिन जब कथा सुने ना, कथा किससे सुने हैं, कथा श्री सुखदेव गोस्वामी से सुने, सबसे छोटा बालक है, कहीं 12 साल की कहीं 16 साल की आता है, नंगे धड़ंगे शरीर में कुछ है ही नहीं, कथा इनसे ही सुने। क्यों सुने इनसे कथा, कारण है ये तोता कोई साधारण तोता नहीं। इसलिए शंकर जी अपना ध्यान में उन्होंने सब कुछ चीज को दर्शन कर लिया, कृष्ण जाते समय इनको छोड़ करके गए जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, यही स्त्री बिटका के गर्भ में प्रवेश की और सुखदेव गोस्वामी रूप में जन्म लेते हैं। फिर ये भागवत कथा श्री परीक्षित को सुनाएंगे, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की। इसलिए शंकर जी सब कुछ उन्होंने दर्शन किया, समझ गए ठाकुर जी की इच्छा है, ये यही भागवत कथा बोलेगा, कथा सुनाना मेरी सार्थक कथा होगी। देखो अच्छे तरह समझो, शंकर जी स्वयं कहते हैं ये कथा सुन करके मैं अमर बना। शंकर जी कौन है, जोगी जोगी महायोगी, सत्यम शिवम, बोलो सत्यम शिवम सुंदरम देवदेव महादेव, स्वयं कहते हैं ये कथा सुनकर अमर बनी। माता पार्वती तब तक शरीर छोड़ते रही जब तक कथा नहीं सुनी, जब से माता पार्वती कथा सुनी तब से ये अमरत्व बनी। अगर अगर हम भी कथा सुनेंगे ना, हम भी अमर बन जाएंगे, आप भी अमर बन जाओगे, जिन जीवन ने कथा सुनी है सबके सब अमर बने, सबके सब अमरत्व की प्राप्ति की है। जितने संतों को देखो, तुलसीदास को देखो, हनुमान जी को देखो, हाँ सूरदास को देखो, सबके सब अमर हो गए कि नहीं संसार में, हैं ये अमर हो गए कि नहीं, इनकी वाणी इनकी जीवन अमर हो गया है। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ है अमरत्व प्राप्त करोगे। बोले दूसरा लाभ क्या है,
बोले तप्त जीवनम। तप्त जीवनम मतलब होता है संसार में हम दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी। देखना संसार में हम दुखी दुखी संसार में, लेकिन जो कथा सुनेगा ना उसकी जीवन का समस्त दुख कष्ट उसकी समाप्त तो हो जाएगी। देखो इसका प्रमाण देखो, अच्छे तरह से क्या प्रमाण देखो, संसार में हम सब दुखी दुखी, कोई सुखी नहीं है। लेकिन देखना जब तक ये कथा में बैठोगे ना, आप बताओ घर की कोई दुख कष्ट तुम्हारी याद है? बोलो कोई दुख कष्ट तुम्हारी याद? कोई दुख कष्ट याद नहीं। लेकिन ये कथा सुन करके ये पैंडल से केवल बाहर तुम निकलो ना, केवल यहां से थोड़ी आगे निकलो, जितने संसार का जितने कष्ट पहाड़ रूप में आकर सर पर बैठ जाएगा। क्यों? घर में जाने पर ये कष्ट है, घर में जाने पर ये कष्ट, घर में ये दिक्कत, घर में ये दिक्कत। लेकिन जब तक कथा में बैठो ना, कोई दुख कष्ट याद है तुम्हारी? कोई दुख कष्ट हमारी याद नहीं। अगर हर समय कथा सुनेंगे तो भैया सारे दुख कष्ट दूर तो हो जाएगा। इसलिए कहते तप्त जीवनम, बोले कभी भी रीतम, जिस कथा को बड़े बड़े कवि लोग गान करते हैं, बोले कलमस अपहम, जो ये कथा सुनेगा ना उसका जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। बोले श्रवण मंगलम, जो कथा सुनेगा ना उसका जीवन में मंगल मंगल होगा। देखो आपको एक सही घटना सुना रहा हूं। कई कथा हो रही थी, एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आया, लेकिन आप देखना तुम्हारे घर में कथा हो ना, अगर निमंत्रण दो कथा सुनने के लिए, वो व्यक्ति कब आता है? एक दो दिन के लिए बड़े कष्ट से अपना बिजनेस छोड़ करके आएगा, वो भाग जाएगा, फिर बैठेगा नहीं, उभरे भाग जाता है। एक व्यक्ति ने कथा सुनने के लिए आया, उसका बिजनेस था जो डायरी बनता है ना, डायरी, एक साल का जो डायरी बनती है उसको एक साल के लिए वो डायरी का काम था, हैं? अभी देखना एक साल के अंदर में अगर नहीं बिकती, दूसरे साल बिकती नहीं। इतने वो काम को छोड़कर गया कथा सुनने के लिए, कानपुर से आया था कथा सुनने के लिए, वृंदावन कथा सुनने आया। लेकिन देखो कथा सुनने का, हम कहते हैं ना कथा सुनने से क्या पेट भरेगा, कथा सुनने से क्या होता है, हम कहते हैं ना, देखो कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। भगवान कहते हैं तू मेरे तरफ में केवल एक कदम बढ़ा, मैं तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा। ठाकुर जी बोलते हैं ना 10 कदम बढ़ाऊंगा। उसको जो डायरी का काम था, जब वो कथा सुनने के लिए आया, जो एक साल में भी बिकना कठिन होता था, लेकिन वो व्यक्ति जब कथा सुनने के लिए आया, वो 2 दिन के लिए कथा सुनने के लिए आया था। कितना दिन के लिए? जोर से बोलो। वो केवल 2 दिन के लिए कथा सुनने के लिए आया था, लेकिन भगवान की कृपा देखो, जो एक साल में भी नहीं बिकती थी वो 2 दिन में सबके सब बिक गई। उसका जो मैनेजर था ना, फोन किया बाबूजी को, बोले जितने डायरी थी सबके सब डायरी बिक गई। बोले डायरी कैसी बिक गई, ये तो साल में भी नहीं बिकती थी। उसने देखा, देखो हमने ये भागवत कथा सुनने के लिए आया ना, देखो ठाकुर जी की कृपा देखो, जो साल में नहीं बिकता था 2 दिन में बिक गई। वो आया था 2 दिन के लिए कथा सुनने के लिए, उसने फोन कर दिया, अभी मैं जब तक 7 दिन तक कथा नहीं सुनूंगा ना, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। इसलिए वो पूछ रहा था, फिर डायरी क्या छपवाए? बोले मैं जब आऊंगा फिर छपवाऊंगा। इसलिए जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान सारे काम काज को ठाकुर जी सब कुछ कर लेते हैं, हमारा विश्वास नहीं होता। विश्वास हमारा ये होता है हम ही सब कुछ कर लेंगे। भैया सब चाबी काठी उसको पास में, ये जब तक उसकी इच्छा नहीं हो ना कुछ भी होने वाले, कहते ना जिसकी इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलती है। विश्वास करके कथा सुना, भगवान सारे काम को तुम्हारी जो जिंदगी भर जो नहीं कर सकते हो, ठाकुर जी इच्छा करे ना, कहते हो मच्छर को ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी मच्छर बना सकता है, रंग को राजा, राजा को रक्त बनाने के लिए इसको 1 सेकंड भी नहीं लगती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। इसलिए यहाँ कहते श्री, जो कथा सुनेगा उसको धन दौलत भी बढ़ेगी, जस भी बढ़ेगा, उसकी जगत में महिमा भी जाएगा। इसलिए दा मतलब होता है संसार का सारे बंधन भी खत्म हो जाएगी जो भागवत कथा श्रवण करेगा। ये राधा रानी ये बात को स्वयं कहती है। इसलिए आप लोग 7 दिन तक, गुरु जी कहते थे जब दूसरे दिन आओ अकेला बताओ, 10-10 व्यक्ति को लेकर के आओ,
अकेले नहीं आनी चाहिए। गुरु जी कहते थे आप जिसको साथ में लेकर के आओगे ना, जिसको जो पुण्य मिलेगी लाने वाले को उसको आधा पुण्य मिल जाएगी। गुरुदेव कहते थे अगर किसको गंदे काम में प्रवृत्ति करा उसको पाप लगेगा, लेकिन अगर किसको भागवत कथा में लाओ पुण्य भी लगेगा, पुण्य भी लगेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब आओ अकेले नहीं, साथ में दस दस व्यक्ति को लाओ। देखो आज पहला दिन ही है, आज कथा को हम यही विश्राम देते थे, ठीक है, क्योंकि माताओं को कुछ कुछ माताएं सवेरे से ये कलश लेकर के आई, साथ भोजन नहीं किया होंगे, नहीं किया ना, इसलिए आप लोग आज हम कथा को यही विश्राम देकर खत्म कर देंगे। कल से कितने बजे से आओगे बोलो, कितने बजे आओगे? देखो ये बच्ची बोल रही है, आप बोल लो कितने बजे। देखो हम तो कथा सुनाने के लिए आए हैं, आप जितने से जितने बजे तक आओगे ना, हम उतने बजे तक आपको कथा सुनाएंगे। प्रसाद बन रहा है? हाँ, कितना समय लगेगा? हाँ अभी प्रभु जी बोल रहे हैं 20 मिनट लगेगा, प्रसाद लेकर के जाना। अब 20 मिनट आप प्रभु जी के भजन गा लेंगे, थोड़ी सी कथा सुनना, प्रसाद लेकर जाना। देखो आपको तो मैं जल्दी छोड़ने चाह रहा था, लेकिन कल से हम ठीक 2 बजे आ जाइएगा, हम कोशिश करेंगे 5 बजे कथा को विश्राम दे देंगे, ठीक है। अब और थोड़ी बैठ जाओ, अभी मत जाओ, प्रसाद लेकर के जाना, प्रभु जी बढ़िया भजन सुना दो, तो मैं उसको कथा सुना दूंगा। हाँ बोलो, ये माइक खोल दो भैया। बजरारी तेरी आँखों में क्या भरा हुआ, कुछ तो ना है तेरा प्रेमी का मरण, बस यार हाथ से हिलन होना है। क्या खूबी उसने बयान करो, एक सुंदर सा सलोना है, श्यामा सखी प्राण जीवन वो तो भेजताए एक खिलौना है। बोलो बाकी बिहारी लाल की मोहम्मद से दिल तू लगा। अब नाच सके, देखो ठाकुर का भजन में जो नाचेगा ना 84 लाख जोड़ी नाचना खत्म हो जाएगा। दुनिया के दूर दूर में नाचना उसको नाचना नहीं पड़ेगा। संसार में सब नाच रहे, कौन नहीं नाच रहा है बोलो? कोई पत्नी को सामने, कोई पति को सामने, कोई बहू को सामने, कोई सास को सामने, कोई पैसा को सामने, पर 84 लाख जोड़ी में तो नाच रहे। लेकिन ठाकुर का दरबार में जो नाचे सब नाचना खत्म, केवल ठाकुर के सामने ही नाचोगे। अपने इस मन को गोमती से लगाया है, वो बड़ी भाव से खड़े होकर के बैठे बैठे नहीं, खड़े होकर के ठाकुर के दरबार में हाथ लगाएंगे। Yeah.
Thank you.
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम
हरे 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 हरे। देखो इसमें भक्ति ना दो दो तीन तीन जगह आज जो जो कमी रह गई थी, जैसे पानी की व्यवस्था नहीं हुई, कल हम पानी की व्यवस्था करवा देंगे। आज पहला दिन है, आज में जो जो कमी रह गई थी हम कल उसको सारी कमी को पूरी करवा देंगे। आपके पीने के लिए पानी की व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था तो आज भी है। प्रसाद पाके जाना, बहुत सुंदर खिचड़ी बनी है, देसी घी पड़ा है, देसी घी में बनी है, देसी घी। हाँ, और सुनो, ये जो भागवत जो कथा हो रही है ये किसी पर्सनल व्यक्ति की नहीं है, ये सबके सहयोग से है। ये केवल महाराज जी आप पर कृपा करने के लिए वृंदावन से आए। शास्त्र में कहता है, शास्त्र कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई अगर सब भी जा रहा है, किसी शुद्ध साधु की अगर दृष्टि पड़ जाए तो उसका मंगल हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। महाराज जी पूरे विश्व में प्रचार करते हैं और ऐसे संतों का दर्शन बड़ा मुश्किल से मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सिद्धदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो और हरि कथा सत्संग तुलसी दुर्लभ हो। बड़ा मुश्किल से ये मिलती है, महाराज जी का दर्शन होगा। महाराज जी 7 दिन रहेंगे यहाँ और आपको कथा कहेंगे। आप चिंता मत करो, कल से आपके लिए प्रसाद और बढ़िया बनेगा, ठीक है ना। और जो लोग हमको इसमें मदद कर रहे हैं, जो लोग हम इसमें हमको जो मदद कर रहे हैं, मैं 4-5 लोग हैं, ये हमारी आकर के सामने से भागवत जी की आरती करेंगे, ठीक है। वो परिवार आगे आ जाएंगे, बाकी लोग पीछे हो जाएंगे। जैसे हमारे बल्ले पहलवान है, डॉक्टर गुरविंदर सिंह है, श्री शिव कुमार सिंह है, श्री सुरेंद्र गुप्ता जी हैं और हरीश इलेक्ट्रॉनिक वाले जिनकी दुकान है कोने पर, ये लोग ताली आरती करेंगे। इनके लिए ताली जोर से मारो, ठीक है ना। और जो कोई व्यक्ति अगर इसमें कहते हैं अर्थ वही है जो जो धर्म में लगता है वही अर्थ है, बाकी अनर्थ है, ठीक है ना। अगर कोई सेवा करना चाहता है प्रसाद किया जैसे भी, तो सबका स्वागत है। ऐसे मत सोचना है किसी विशेष व्यक्ति है, सबकी है, सामूहिक की है, पूरे खोड़ा की है, ठीक है। हरे कृष्णा, वह आरती होगी, आरती के लिए सब खड़े हो जाएंगे और ये जिनके मैंने नाम बोले वो आगे से रहेंगे और वो भागवत जी की आरती करेंगे। एक बार महाराज जी के लिए ताली जोर से बजाओ। इतनी पता है, रात भर महाराज जी ने ट्रेन में सफर किया, फिर सुबह आए, किसी कारणवश से फिर मथुरा गए, मथुरा से फिर आए, फिर आपके बीच में आके उपस्थित हो गए, ठीक है ना। हरे कृष्ण जी, आप लोग है ना आगे से, आगे से आरती करो सब। हरे कृष्णा, आप लोग खड़े हो जाओ, आरती आरती करो, ठीक है, आप खड़े हो जाते। हरे कृष्णा, प्रभु आरती करो। श्री भागी विहली मेरी आरती गाओ, श्री भागी विहली मेरी आरती गाओ, ओरे तेरे शीश में सोए और मुकुट तेरे शीश में सोए, दुनिया तारी की
जैसे खड़े हुए, इसलिए ठाकुर बोले ठीक है तुमको पेड़ी जन्म दे देता हूँ। भागवत के कारण
इसलिए जब कीर्तन हो ना थोड़ी शरीर को हिलाती है, देखो जैसे बाबा नाच रहे हैं शरीर को हिला। अगले जन्म में जो पेंटी बनना चाहते हो दोनों हाथ उठा लो और शरीर को हिलाते हुए वृंदावन में हाँ, इतने जोर से छलांग लगना जैसे छात्र को छू सकता है। उधर आगे जाओ, एक साइड हो जाओ, एक बार हाथ उठाकर छलांग लगाते हुए मिठाई गौरा कथा मृषभ की, श्री सुखदेव गोस्वामी की।